Hello friends, welcome to my channel Science and Psychology. As you know, we have completed four chapters. हम four chapters complete कर चुके हैं class 11th की biology के, and this is fifth chapter जिसमें हम काफ़ी सारे topics cover कर चुके हैं, and today's topic is the inflorescence. Friends, अगर आप new हैं इस channel पर तो आप यहाँ subscribe button red color में होगा उसको press कर दीजिए, और उसके बाद इस तरीके के बेल आपको शो होगी उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि अपडेटेड वीडियोस बिल्कुल टाइमली आपको मिल जाएं. और फ्रेंड्स, अगर आप किसी 11th 12th क्लास में हैं, या फिर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट की, या फिर आप टीचर हैं और टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल हेल्पफुल होगी. और आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बायोलॉजी का जो कंटेंट है आप यहाँ पे देख सकते हैं. तो हम टॉपिक शुरू करते हैं आज का, द इन्फ्लोरेसेंस. तो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन्फ्लोरेसेंस होता क्या है? देखिए, आप इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस वर्ड है उसमें फ्लोर वर्ड पढ़ रहे हैं, फ्लोर फ्लोरेसेंस. तो फ्लोरेसेंस का मतलब हो गया, जिसमें फ्लोर वर्ड है, इट कम्स फ्रॉम, इट्स में से जो ये चीज़ निकाल ली जाए तो उसको हम मीनिंग कर सकते हैं फ्लावर. फ्लावर इज इक्वल टू फ्लोर. जो इन्फ्लोरेसेंस का फ्लोर है, इट विल, इट इज़, ये आया है फ्लावर वर्ड से. ओके, तो फ्लावर क्या होता है? फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट होता है. अब जैसे कि हमें पता है कि नीचे का सिस्टम रूट होता है और ऊपर का शूट होता है. अब शूट का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, सबसे टिप वाला जो होता है, अगर वो कुछ मॉडिफिकेशन उसमें आ जाए और उसका जो एपिकल मेरिस्टेम है वो फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज हो जाए. आप सभी को पता होना चाहिए कि मेरिस्टेम मीन्स जहाँ पर डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और एपिकल मीन्स जो सबसे एपिक्स में सबसे ऊपर होता है. ठीक है, अगर ये ऊपर वाला मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज हो जाए तो वो जो मॉडिफिकेशन आएगा, जो मॉडिफिकेशन होगा, उस मॉडिफाइड शूट को हम बोलेंगे फ्लावर. अब इसमें क्या होता है, इसमें इंटरनोड्स जो होते हैं वो लॉन्गेट नहीं होते हैं, लेकिन जो एक्सेस होती है वो कंडेंस्ड हो जाती है. अब इंटरनोड्स, आपको पता है कि अगर यहाँ से एक स्टेम निकली है, एक ब्रांच यहाँ से निकली है, तो ये नोड्स होंगे, उनके बीच का जो पोर्शन होगा वो इंटरनोड्स होंगे. तो इंटरनोड्स तो इलॉन्गेट नहीं होंगे कि अगर फ्लावर यहाँ पर है तो इंटरनोड्स इलॉन्गेट हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, नहीं. लेकिन जो एक्सेस होती है वो कंडेंस्ड हो जाती है. जो एपिक्स पे जो फ्लो, जो फ्लावर प्रोड्यूस होता है उसके अंदर जो अपेंडेजेस होते हैं वो लेटरली एट सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ लीव्स. तो क्या होता है कि वो आपको देखेंगे, आप उसमें देखोगे कि एक फ्लावर यहाँ पर है, एक फ्लावर यहाँ पर है, एक फ्लावर, एक फ्लावर, इस तरीके के जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स इज इक्वल टू फ्लोरल अपेंडेजेस. ओके, तो वो आपको सक्सेसिव नोड्स पे दिखेंगे, आपको लीव्स नहीं दिखेंगे वहाँ पे, आपको फ्लावर्स दिखेंगे. और जब भी उस किसी की शूट की जो टिप होती है, जब वो फ्लावर में ट्रांसफॉर्म होती है, जब इसकी टिप, मान लीजिए ये वाले, अगर ये वाली टिप फ्लावर में बदल रही है, तो वो सॉलिटेरी होगी. सॉलिटेरी मतलब होता है कि अकेला ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ पे बिल्कुल 10-12 फ्लावर्स एक साथ देख लेंगे, नहीं. जो ऊपर वाला पोर्शन अगर चेंज हो रहा है तो इट इज़ सॉलिटेरी, अकेला ही चेंज होगा वो. तो ये जो अरेंजमेंट होता है फ्लावर्स का फ्लोरल एक्सेस पे, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस. अब जो एपिक्स है, मीन्स एपिक्स मीन्स समझ रहा है ना, ऊपर वाला पोर्शन जो एपिक्स है, उसमें जब वो कन्वर्ट हो रहा है फ्लावर में कन्वर्ट हो रहा है, और अगर वो एपिक्स फ्लावर में कन्वर्ट हो रहा है और वो कंटिन्यूसली ग्रो भी हो रहा है, तो इस बिहाफ पर, इसको बेस बनाकर दो टाइप के फ्लोरेसेंस होते हैं इन्फ्लोरेसेंस. एक होता है रेसमोस और एक होता है साइमोस. अब रेसमोस में क्या होता है, जो मेन एक्सेस होती है वो कंटिन्यूसली ग्रो होती रहती है. मेन एक्सेस क्या होती है, कॉन्टीन्यूसली ग्रो होती रहेगी. और जो फ्लावर होंगे वो एक्रोपेटल सक्सेशन में बॉर्न होंगे. अब एक्रोपेटल का मीनिंग क्या होता है, मान लीजिए ये हमारी स्टेम है और यहाँ पे फ्लावर ग्रो हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस तरीके से फ्लावर ग्रो हो रहे हैं. अगर फ्लावर यहाँ पे ग्रो होते हैं और फिर ये फ्लावर थोड़े बड़े हो जाते हैं, फिर यहाँ पे स्मॉल फ्लावर्स ग्रो होने लगते हैं, फिर यहाँ पे उससे स्मॉल फ्लावर्स ग्रो होने लगते हैं. मान लीजिए यहाँ पे अगर ये पहले फ्लावर ग्रो होगा तो ये थोड़ा मैच्योर हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे जो फ्लावर होगा फिर इससे तो वो कम मैच्योर होगा, इससे कम छोटा, इससे छोटा होगा, और ये वाला फ्लावर इससे छोटा होगा. तो सबसे बड़ा फ्लावर, फिर उससे छोटा फ्लावर, फिर उससे छोटा फ्लावर, इस तरीके से. जब इस तरीके से
ग्रो होता है बड़ा छोटा छोटा, तो इस फैशन को बोलेंगे, इस सक्सेशन को बोलेंगे एक्रोपेटल सक्सेशन। और साइमोस में क्या होता है, आप ये मान लीजिए कि रेसमोस का मतलब है रेस लगाना। अब रेस लग रही है तो सबसे बड़ा यहाँ पर रहेगा और जो छोटे छोटे होंगे, अब मान लीजिए जो बूढ़े होंगे वो नहीं भाग पाएंगे तो वो यहीं पर टिक जाएंगे, और जो बच्चे होंगे वो आगे भाग जाएंगे, वो आगे आगे आगे, जितने ज़्यादा छोटे बच्चे होंगे उनके अंदर ज़्यादा एनर्जी होगी, वो ज़्यादा भागेंगे। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अब साइमोस का मतलब होता है इसमें जो मेन एक्सेस होती है वो टर्मिनेट्स हो जाती है फ्लावर में और लिमिटेड होती है ग्रोथ में। अब ये क्यों होंगे लिमिटेड, क्योंकि आप अब वही वाला है, अगर आप यहाँ पे ये स्टेम ले रहे हैं, अब यहाँ पे कोई फ्लावर ग्रो हो गया है तो अब वो तो लिमिटेड हो गया ना, ऊपर नहीं जाना है, फ्लावर यहीं पे मैच्योर हो गया, अब इससे यंग फ्लावर जो है वो यहाँ पर आ रहा है, जो न्यू फ्लावर है फिर यहाँ पर आ रहा है, तो ये फ्लावर बड़ा दिखेगा फिर ये छोटा छोटा, इस तरीके से ये सीक्वेंस ऐसे चलेगा जिसमें कि ग्रोथ क्या है लिमिटेड है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बेसिपेटल मैनर होता है और ये एक्रोपेटल सक्सेशन मैनर होता है, ऑर्डर होता है। तो ये हमारे टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस हो गए जो कि हमने फ्लावर्स के बारे में पढ़े। इन्फ्लोरेसेंस में था अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, इन्होंने फ्लोरल एक्सेस, और ये दो टाइप के होते हैं रेसमोस एंड साइमोस। रेसमोस में मेन एक्सेस ग्रो होती रहती है और जो सक्सेशन होता है, ऑर्डर होता है, वो एक्रोपेटल होता है, लेकिन साइमोस में लिमिटेड ग्रोथ होती है, मेन एक्सेस टर्मिनेट हो जाती है फ्लावर में, और जो फ्लावर होता है वो बेसिपेटल ऑर्डर में होगा। अब फ्लावर के बारे में बढ़ते हैं कि व्हाट इज़ फ्लावर। सबने फ्लावर्स देखे हैं, तो फ्लावर एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो फ्लावर होगा वो सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में मिलता है। हमने बहुत सारे टाइप पढ़े थे ना, फंजाई, एल्गी, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स, रेडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, उसमें हमने पढ़ा था कि जो फ्लावर होता है वो सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में ही मिलता है। ओके, और फ्लावर की वजह से ही क्या होता है, ये एक रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है जिसकी वजह से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाते हैं। एक फ्लावर जो है उसमें चार डिफरेंट टाइप के होल अरेंज हो सकते हैं सक्सेसिवली ऑन द स्वेलन एंड ऑफ द स्टॉक और पेडिकल कॉल्ड थैलेमस। अब इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई फ्लावर है, ठीक है, तो ये जिस ये इस तरीके से ये हो गए सेपल्स और ये अच्छे से ये हो गए पेटल्स। मान लीजिए ये चीज़ है, ये होगी थैलेमस या रिसेप्टिकल। तो क्या होता है कि ये हॉल होंगे, हॉल माने एक तरीके से बोल सकते हैं गुच्छे, या जो आप जितने भी फ्लावर का ऊपर कलरफुल पार्ट का जो पूरा का पूरा पोर्शन अगर आप बोलोगे तो उसे हॉल बोलोगे आप, ठीक है। और ये जो लगा होता है, ये जो हॉल होते हैं ये डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, तो चार इसके डिफरेंट काइंड्स हैं, और ये जिस पे स्टॉक पे लगा होता है, ये स्टॉक मीन्स जिस डंडी पर ये लगा होता है वो थोड़ी फूली हुई होती है, स्वलन होती है, और उसको हम थैलेमस बोलते हैं, ओके, या रिसेप्टिकल बोलेंगे। अब इसमें चार पार्ट होते हैं मेनली, ठीक है। अब चार पार्ट में होती कैलिक्स, एक होते हैं कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। जो कैलिक्स और कोरोला है वो सजावट वाले ऑर्गन्स, एसेसरी ऑर्गन, ओके। एंड्रोशियम और जो गाइनोशियम है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये आपको याद रखना है कि सीसी एसेसरी, क्योंकि एसेसरी में दो सी आते हैं, तो सीसी इज एसेसरी ऑर्गन्स, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए। अब अगर आप कुछ फ्लावर में देखोगे, मान लो आप लिली में देख रहे हो, तो उसमें कैलिक्स और कोरोला जो होते हैं ना वो अलग अलग नहीं होते। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कैलिक्स कोरोला होते क्या हैं। देखो आप, ये फ्लावर ऐसे होता है, फ्लावर के नीचे आप छोटे छोटे ग्रीन कलर की पत्तियां देखते हो, और उन पत्तियों के ऊपर बड़े ब्यूटीफुल से कलरफुल पत्ते टाइप लगे होते हैं, अपेंडेजेस लगी होती हैं। तो क्या होता है कि ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसे बोलते हैं कैलिक्स, और जो ऊपर वाला पोर्शन है इसे बोलते हैं कोरोला। अब इसको कैलिक्स, वैसे अगर ये सिर्फ एक है, अगर आप सिर्फ एक पत्ती की बात कर रहे हो तो ये होता है सेपल, और ऊपर भी अगर आप एक पत्ती की बात कर रहे हो तो वो होता है पेटल। अगर वन है तो ये सेपल एंड दिस इज पेटल। बट अगर आप पूरे होल, पूरे गुच्छे की बात कर रहे हो, अगर इस पूरे की बात कर रहे हो, तो इट इज़ कैलिक्स,
अगर ये पूरे की बात कर रहे हो तो इट इज़ कोरोला, तो हम एक पत्ते की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे होल की बात कर रहे हैं, तो इट इज़ कैलेक्स एंड इट इज़ कोरोला। ओके, तो और इसी तरीके से इनके अंदर जो एक मेल पार्ट होता है, ओके, तो जो एक मेल पार्ट होगा उसको बोलते हैं स्टेमिन। लेकिन अगर बहुत सारे स्टेमिन एक साथ मिल, मतलब एक साथ अगर हमें बोलने हैं सारे स्टेमिन को, उसको बोलेंगे एंड्रूशियम। और अगर एक इस तरीके से स्टाइसिग्मा ओवरी आपको प्रेजेंट यहाँ पे मिलते हैं, जो फीमेल पार्ट है अगर वो एक है तो इट इज़ कार्पल या पिस्टल बोलते हैं। और अगर ये दो तीन की बात कर रहे हैं तो इसे बोलेंगे गाइनोशियम। तो हम यहाँ पे ग्रुप की बात कर रहे हैं तो इसलिए हमने ये वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। कैलिक्स, कोरोला एसेसरी ऑर्गन होते हैं सजावट वाले जो आपको दिखते हैं बिल्कुल ब्यूटीफुल से, और एंड्रूशियम गाइनोशियम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। कैलिक्स, कोरोला अगर आपको अलग अलग नहीं दिख रहे हैं तो उसको हम पेरियंथ बोलेंगे। जब फ्लावर में एंड्रूशियम और गाइनोशियम, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल। इसमें आप वर्ड देख रहे हो ना, बाई मीन्स टू, अब टू सेक्स एक साथ प्रेजेंट है, मतलब एंड्रूशियम भी प्रेजेंट है और गाइनोशियम भी, तो उसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल। लेकिन अगर सिर्फ या तो स्टेमिन प्रेजेंट है या फिर सिर्फ कार्पल प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। तो हमने पढ़ा फ्लावर क्या होता है, उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, कौन सा पार्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, कौन सा एसेसरी ऑर्गन है, अगर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे, और एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे। अब हम आ जाते हैं कि अगर हमारे पास कोई फ्लावर है, मान लीजिए ये एक प्यारा सा फ्लावर है और इसको आप काटो, अगर मैंने यहाँ से काटा तो भी ये बराबर कटेगा, अगर मैंने यहाँ से काटा तो भी ये बराबर कटेगा, अगर यहाँ से काटा तो भी ये बराबर कटेगा। तो जो ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो जो कहीं से भी काटो आपको बिल्कुल इक्वल टू इक्वल डिवाइडल रेडियल हाफ्स में कटेंगे, उसको बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक या फिर रेडियल सिमेट्री। ये हमने एनिमल किंगडम में भी ये वर्ड पढ़ा था, रेडियल सिमेट्री, कहीं से भी अगर आप काट रहे हो तो इक्वल सिमेट्री आएगी, तो उसको एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री। लेकिन अगर आप किसी फ्लावर को कट कर रहे हो और वो सिर्फ टू ही प्लेन्स में कट रहा है, मतलब ये और ये इक्वल है बस, इसके अलावा कहीं और से अगर आप कट करोगे तो वो इक्वल नहीं आएगा, उसको हम बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक या बाइलेटरल सिमेट्री। अब इसको याद करने का एक छोटी सी ट्रिक है, तो मैंने इसको ऐसे याद किया था कि एक्टिनो मीन्स होता है बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, मान लीजिए बहुत ज़्यादा एक्टिव है कोई फ्लावर, तो उसको इतना एक्टिव है कि कहीं से भी कट करोगे तो इक्वली रेडियस आपको मिलेगा, इक्वल रेडियल हाफ्स मिलेंगे, तो रेडियल सिमेट्री हो गई, मतलब एक्टिव इतना है कि कहीं से भी कट करोगे तो इक्वल रेडियस मिलेगा, तो उसको हम बोलेंगे एक्टिनोमॉर्फिक। अब जाइगोमॉर्फिक का मतलब, मान लो जाइगोट, जाइगोट मीन्स एक तरीके से ह्यूमन बीइंग मान लीजिए, उसको कट करेंगे तो उसमें तो बायलेटरल सिमेट्री होती है, तो इसको हम बोलेंगे जाइगोमॉर्फिक। ये सिर्फ एक छोटा सा याद करने के लिए ट्रिक है कि जाइगो मीन्स जाइगोट, जाइगोट मीन्स ह्यूमन, ह्यूमन में कौन सी सिमेट्री होती है, बायलेटरल। ओके, तो नाउ कम टू द पॉइंट कि एक्टिनोमॉर्फिक जो होती है सिमेट्री वो होती है मस्टर्ड में, धतूरा में, चिली में, मस्टर्ड, धतूरा, चिली, इनमें होती है एक्टिनोमॉर्फिक। और जाइगोमॉर्फिक जिसमें टू सिमिलर हाफ्स में कट हो जाता है वो होता है पी, पी को तो आप देख भी सकते हो कि पी का अगर आप कट करोगे तो सिमिलर हाफ में होगा, बीन्स में भी टू पार्ट में ही होता है अगर आप कट करोगे, कैसिया एंड गुलमोहर में भी, इसमें होते हैं हमारे जाइगोमॉर्फिक। अब जो फ्लावर होता है, मिनट, अब जो फ्लावर होता है वो कुछ फ्लावर्स असिमेट्रिक भी होते हैं, मींस अगर आपको कहीं से भी कट करोगे तो आपको कोई सिमेट्री नहीं मिलेगी, तो उसको बोलते हैं इरेगुलर या असिमेट्रिक, क्योंकि कोई आपको प्लेन नहीं मिलेगा, जैसे कि कैना प्लांट में। अब ये हमने पढ़ ली सिमेट्री कि कट करने पे प्लांट या तो एक्टिनोमॉर्फिक होगा, जाइगोमॉर्फिक होगा या फिर असिमेट्रिक होगा। अब हम आते हैं फ्लावर के अंदर जो उसके फ्लोरल अपेंडेजेस होते हैं, मींस जो पेटल्स होते हैं,
अगर वो तीन हैं तो ट्राईमेरस बोलेंगे, अगर वो चार हैं तो टेट्रामेरस बोलेंगे, और अगर वो पाँच है तो पेंटामेरस बोलेंगे। फ्लावर्स के अगर ब्रैक्ट के साथ है और रिड्यूस लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिकल तो उसको हम बोलेंगे ब्रैकेट। आपने देखा होगा फ्लावर के नीचे ना, जैसे ये मान लीजिए ये फ्लावर है इस तरीके से, तो आप देखेंगे यहाँ पे ना छोटा सा इस तरीके से होता है। अगर आप देखेंगे अगर आप यहाँ से ऐसे देखेंगे किसी फ्लावर को, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक छोटी सी पत्तियाँ सी बनी होती हैं, बहुत ही छोटी सी, तो उसको क्या होता है एक तरीके से रिड्यूस्ड लीफ होती है वो, जो कि सिर्फ आपको बेस में मिलेंगी और उसको हम ब्रैक्ट्स बोलते हैं। तो जिसमें वो प्रेजेंट होती है पेडिकल में बेस में तो उसे ब्रैक्टेट बोलेंगे, और जिसमें वो ब्रैक्ट्स नहीं प्रेजेंट होंगे उसको ई ब्रैक्टेट बोलेंगे। ओके, हमने फिर सिमेट्री के बाद अपेंडिजेस के अकॉर्डिंग उसको डिस्क्राइब किया और फिर ब्रैक्ट्स के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब किया। अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से देखिए, इसमें आप सब चीज़ देख सकते हैं। सबसे पहले तो ये क्या है, ये है पेटल्स, और ये क्या है ग्रीन कलर में, ये है सेपल्स। व्हाट इज दिस इज स्टेमन एंड दिस इज कार्पल, चार पार्ट हो गए हमारे। अब आप इसमें ये देखिए कि ये जो कार्पल में जो ओवरी है, कार्पल के तीन पार्ट होते हैं, ऊपर वाला होता है स्टिग्मा, ये जो ऊपर वाला है, और ये बीच वाला होता है स्टाइल, और ये होता है ओवरी। ये तीन पार्ट होते हैं किसके, कार्पल के। अब इसमें आप जो ओवरी देख रहे हैं ये वाली, आप देखिए ये सबसे ऊपर है, ओके, और इसके नीचे ही ये सारे पार्ट्स लग रहे हैं। तो ये जिसमें ओवरी सुपीरियर होती है, मींस जिसमें ओवरी सबसे ऊपर लगी होती है जिस फ्लावर के अंदर, तो उस फ्लावर को हम बोलते हैं हाइपोगैमस फ्लावर। हाइपोगैमस फ्लावर में जो गाइनेशियम है ऑक्यूपाई द हाइस्ट पोजीशन, गाइनेशियम मतलब समझ रहे हैं ना, गाइनेशियम मतलब ये जिसमें स्टाइल सिग्मा स्टिग्मा ओवरी, या फिर जिसको हम एक सिंगल को कार्पल बोलते हैं, अगर उसकी हाइस्ट पोजीशन है और अदर पार्ट्स उसके नीचे हैं, तो उस ओवरी को तो हम सुपीरियर ओवरी बोलेंगे और उस फ्लावर को हम हाइपोगैमस बोलेंगे। एग्जाम्पल है मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। तो चाइना रोज आपने देखा होगा ना, गुड़हल का फूल देखा है, उसमें आप ये बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। इसके बाद आप अब ये वाला देखिए, बी और सी। बी और सी में आप क्या देखेंगे कि जो गाइनेशियम है वो बिल्कुल सेंटर में है, और अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर जो है वो लोकेटेड एट द रिम ऑफ द थैलेमस, ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। अब यहाँ पे ओवरी बिल्कुल सेम लेवल में है, ठीक है, और ये भी इसके देखो बिल्कुल सेम लेवल में है, मतलब जहाँ पर ये है पूरा वहीं पर ये भी है। आप साइड में देखो, कोई भी चीज़ ऊपर नहीं है, ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बिल्कुल ऊपर बैठा हुआ है किसके, गाइनेशियम के, लेकिन यहाँ पे इसके सेम लेवल में है और यहाँ पर ये इसके नीचे है। तो ये दोनों होंगे पेरिगैमस, जिसमें गाइनेशियम बिल्कुल सेंटर में हो और जो अदर पार्ट्स हैं वो इसके बिल्कुल सेम लेवल में हो, तो उसको बोलते हैं पेरिगैमस। और ओवरी होती हाफ इन्फीरियर, हाफ इन्फीरियर मतलब ओवरी क्यों हाफ इन्फीरियर है, देखो ओवरी हाफ नीचे है इसलिए वो हाफ इन्फीरियर है, इसमें ओवरी सबसे ऊपर है तो इसलिए सुपीरियर है, और इसमें ओवरी बिल्कुल अंदर है तो ये पूरी फुल इन्फीरियर हो जाएगी। और जिसमें एपिगैमस में क्या होता है, जो थैलेमस होता है वो अपवर्ड ऊपर के साइड ग्रो होता रहता है, और ओवरी कम्प्लीटली अंदर फ्यूज़ होती है, और अदर पार्ट जो होते हैं वो ओवरी के ऊपर होते हैं। आप इसमें क्लियरली देख सकते हो, ये ओवरी है और इसके ऊपर हैं सारे पार्ट्स, और ये बिल्कुल दबी हुई अंदर, तो उसको बोलेंगे एपिगैमस, और इसकी ओवरी होगी इन्फीरियर। ये आप देख सकते हो ग्वावा में, क्यूकम्बर में, या फिर सनफ्लावर के फ्लावर्स में। तो ये हमने पढ़ लिया कि ओवरी के अकॉर्डिंग हम फ्लावर को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे हम उसको डिवाइड करेंगे। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पार्ट्स ऑफ फ्लावर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखिए मेनली फोर हॉल्स होते हैं फ्लावर, फ्लोरल हॉल्स जिसको बोलते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूशियम एंड गाइनेशियम।
कैलिक्स होता है आउटर होल ऑफ द फ्लावर एंड द मेंबर आर जनरली सेपल्स। बताया था नीचे जो ग्रीन कलर में था आउटर, उसको सेपल्स बोलेंगे। सेपल्स ग्रीन होते हैं, लीफ लाइक होते हैं और फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं बड स्टेज में। ओके, और इसके होल को हम बोलेंगे कैलिक्स। अगर सारे सेपल्स एक दूसरे से जुड़े हैं तो उसको हम बोलेंगे गैमोसेपल्स, और अगर सारे सेपल्स एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, फ्री हैं, तो उसको बोलेंगे पॉलीसेपल्स। ओके, तो इसको याद कैसे करेंगे, गैमोसेपल्स एंड पॉलीसेपल्स। पॉली मीन्स हमेशा अलग होगा, अलग अलग, फ्री, और गैमो मतलब होगा यूनाइटेड, एक साथ। सेम इन द सेम वे कोरोला का भी होगा। कोरोला मीन्स कंपोज ऑफ पेटल्स, और जो ब्राइटली कलर्ड होते हैं वो क्यों, क्योंकि पॉलिनेशन के लिए, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। और इसमें भी यूनाइटेड और फ्री होते हैं। अगर यूनाइटेड हैं तो गैमोपेटलस, और अगर फ्री हैं तो पॉलीपेटलस। अब आप इसमें क्लियर देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा डायग्राम है। इसमें आप बिल्कुल क्लियर आप अच्छे से देख सकते हैं कि नीचे वाला जो डंडी होती है पेडिकल बोलते हैं, ये नीचे ग्रीन कलर में कैलिक्स, दिस इज कोरोला, दिस इज गाइनोशियम एंड दिस इज एंड्रोशियम। ओके, तो जो शेप और कलर होता है कोरोला का, वो हर प्लांट में अलग हो सकता है। कोरोला हो सकता है ट्यूबलर हो, बेल शेप भी हो सकता है, फनल शेप भी हो सकता है, वेज शेप भी हो सकता है। आपने बहुत सारे टाइप्स के फ्लावर देखे होंगे ना, सारे फ्लावर सेम तो नहीं होते हैं, कुछ बेल शेप भी होते हैं, सबकी शेप अलग अलग होती है। अब हम आते हैं, अब हम एक और अरेंजमेंट पढ़ने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं जो अरेंजमेंट होता है सेपल और पेटल्स का फ्लोरल बर्ड में। मीन्स जो सेपल्स हैं, मीन्स जो ऊपर वाला और नीचे वाले अपेंडेजेस हैं, ऊपर वाले फ्लावर के पत्ते, ऊपर वाले जो अपेंडेजेस हैं और नीचे वाले जो ग्रीन सेपल्स के अरेंजमेंट, अरे जो ग्रीन सेपल्स होते हैं, इन दोनों का जो अरेंजमेंट होता है फ्लोरल बर्ड में विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स इन द सेम होल, उसको हम बोलते हैं एस्टिवेशन। सिंपल है, इनके अरेंजमेंट को हम एस्टिवेशन बोलते हैं। एक होल में सेम होल होना चाहिए, उसमें किस तरीके से फ्लावर के जो ब्यूटीफुल से दिखने वाले पैटर्न्स हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ अरेंज हैं, उसको हम बोलेंगे एस्टिवेशन। अब एस्टिवेशन चार टाइप के होते हैं, VTIV या फिर TVIV, ट्विव। टी से ट्विस्टेड, वी से वेल्वेट, आई से इम्ब्रिकेट एंड वी से वैक्सिलरी। ये चार टाइप के अरेंजमेंट होते हैं। अब ये बहुत सिंपल है बिल्कुल, आप देखिए एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। जब सेपल और पेटल्स, आपको पहले तो एक बात ये याद रखनी है कि सेपल और पेटल्स एक दूसरे से ना बहुत लिंक होते हैं। मीन्स अगर सेपल जुड़ा हुआ होगा, यूनाइटेड होगा, तो पेटल्स भी यूनाइटेड होंगे। अगर सेपल्स फ्री हैं तो पेटल्स भी फ्री होंगे। अगर सेपल्स और पेटल्स एक दूसरे के मार्जिन को टच कर रहे हैं लेकिन ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं वेल्वेट। ओके, अब वेल्वेट का मतलब है कि 1, 2, 3, 4, 5, दिस इज वेल्वेट। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे ये वाला अरेंजमेंट है, दिस इज वेल्वेट। ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, टच भी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से अरेंज है। बट अगर वन मार्जिन जो है अपेंडिजेस का ओवरलैप कर रहा है, देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, यहाँ पर ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे का, जो आगे वाला है उसके साथ वो ओवरलैपिंग करेंगे, तो उसको बोलेंगे ट्विस्टेड। और ये देखा जाता है गुड़हल में, चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन में। अब थर्ड जो है हमारा आता है, अगर मार्जिन जो है सेपल और पेटल की ओवरलैप तो कर रहे हैं लेकिन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, जैसे कैसिया एंड गुलमोहर में। ओके, कैसिया एंड गुलमोहर में ओवरलैपिंग हो रही है बट कोई डायरेक्शन नहीं है, तो इस एस्टिवेशन को बोलेंगे इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट, पी और बीन्स फ्लावर में 5 पेटल्स होती हैं, तो जो लार्जेस्ट ओवरलैप होता है जिसमें 2 लेटरल पेटल्स हो जाती हैं, विच इन टर्न ओवरलैप
अब ये टू लिटल पेटल्स हो गए जिसने ओवरलैप कर दिया है स्मॉलेस्ट वाले पेटल्स को इनको, ठीक है। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट है उसको हम वेक्सिलरी या पैप्लियोनेसी बोलते हैं। तो ये अरेंजमेंट आप देख सकते हैं, हमने चार टाइप के अरेंजमेंट देखे थे, वेलवेट ट्विस्टेड, टू वेव, TWIV, टू वेव, वेलवेट ट्विस्टेड, वेलवेट इम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी। तो ट्विस्टेड में एक दूसरों को ओवरलैप करेंगे इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, वेलवेट में बिल्कुल टच नहीं होंगे, बिल्कुल अलग अलग रहेंगे, इम्ब्रिकेट में ट्विस्ट करेंगे लेकिन कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी, जैसे इम्ब्रिकेट बोलेंगे। वेक्सिलरी में बड़े वाला छोटे को ओवरलैप करेगा, छोटे वाला उससे छोटे को, इसको वेक्सिलरी बोलेंगे। तो ये हमने कोरोला की अरेंजमेंट देखी और इसको हम बोलते हैं एस्टिवेशन। तो अभी हम जो आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि मैं बहुत स्लो पढ़ाती हूँ तो आप मेरी वीडियो को ना फास्ट मोड में भी देख सकते हैं, यूट्यूब में वो फंक्शन है, आप स्पीड बढ़ा के देख लीजिए। मैं स्लो इसलिए पढ़ाती हूँ, अगर मैं स्पीड बढ़ा दूँगी तो फिर समझ नहीं आएगा और फिर ऐसा लगेगा जैसे रेस हो रही है। तो आपके पास ऑप्शन है, आप स्पीड बढ़ा के खुद देख सकते हैं। तो आई होप कि मेरी स्पीड बिल्कुल सही लगे आपको। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे और आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल बटन को प्रेस करें। सोशल मीडिया, अपने फ्रेंड सर्कल में, हर जगह पे इसको शेयर करें जिससे कि बहुत सारे बच्चों को हेल्प की ज़रूरत है, उनको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आती है। तो इस वीडियो के बाद आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे और मैं ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद शॉर्ट नोट्स दूंगी जिसमें और अच्छे से आपको बिल्कुल स्पेसिफिकली समझ में हर चीज़ आ जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए नाइस डे।